नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। देखिए हमारे संवाददाता गौतम व्यास की रिपोर्ट। केवड़िया कॉलोनी के श्रेष्ठ भारत भवन की पीछे की जमीन का विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जिस जमीन को लेकर इतना विवाद चल रहा है वो जमीन केवड़िया गाँव के दो लोगों की है, जिसमें पहली जमीन टाला भाई लल्लू भाई तड़वी के नाम और दूसरी जमीन शकुंतला बहन तड़वी और ईश्वर भाई जसू भाई तड़वी के नाम है। हमारे संवाददाता को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन पर वोटिंग सेवा के लिए रास्ता बनाया जाएगा, जिसके चलते आज जमीन का नाप लेने के लिए सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारी भी आने वाले थे। इस माहौल को देखते हुए पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद था। पूरे मामले पर जमीन के मालिक ने कहा कि हम जमीन के मालिक हैं और हम यह जमीन सरकार को किसी भी हाल में नहीं देना चाहते। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी श्रेष्ठ भारत भवन के पीछे आज सरदार सरोवर नर्मदा निगम के कुछ अधिकारी यहां पर जमीन का नाप लेने के लिए आने वाले हैं। हालांकि जानने को मिला है कि यह जो जमीन है वो खानगी मालिक की है। हमारे साथ यहां पर जमीन के मालिक जुड़ चुके हैं। हम उनसे यह पूरी घटना क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे। मारो नाम संजय भाई डाया भाई तरवी। श्रेष्ठ भवन भारत भवन पछाड़ी अमारी जमीन आवेली है। अमारी प्राइवेट जमीन है, संपादन नहीं। ने नर्मदा निगम ना अधिकारी अमने कोई लिखित में जान नहीं करी। मौखिक में ये लोग अमरा जोड़े चर्चा करी है कि तमारी जमीन अमे लीए छे, वेचाण पेटे लीए छे। 15/11 ना रोज अमारा सांजे 6 वाग्या पछी ए लोकोए अमने मीटिंग करवा माटे अमने बोलावेला। वेवटदार साहेब अने कानुगा साहेब ए लोको जोड़े अमे चर्चा करी तो अमने एवुं कहेवामां आव्युं के तमारी जमीन अमे वेचाण पेटे लई रह्या छे अने तमने वीएनो लाभ अमे तमने आपीशुं। सीधी लीटीना वारसदारना छोकराओने 2013 जेवाने 18 वर्ष पूरा थता होय तेवाने 5 લાખનો लाभ मळशे एवुं अमने कानुगा साहेब कीधेल छे। हवे आज अत्यारे जे जमीन लई रह्या छे एना सिवायनी मारी आगर पण जमीन संपादन थयेली छे। 60 जमीन अमे वेचाण पेटे लई रह्या छे अने 150 रुपये मीटर, 50 रुपये फूट तो अमे 120 रुपये किलो रींगण खाधा छे। आ लोको अमने एवुं पूछे छे कि तमे ए तो कोतड़ो छे एमां तमे शुं खेती करो छो, तो अमे एवो जवाब ए लोकोने आपेलो कि 12 મહિનાનું ભરતર લાકડા અમે ત્યાંથી અમે કાઢીએ છીએ, મારા પાસે 12-13 ધોળા છે એનો આખા વર્ષનો ઘાસચારો અમે કાઢીએ છીએ, એટલે રમકડા જેવી રકમ આપી અને આ લોકો અમારી જમીન ઝૂકવી લે છે અને વિકાસની વાતો કરે છે, મોટી મોટી વાતો થાય છે અને ખેડૂતોને મામૂલી ભાવ આપી અને જમીન ઝૂકવી રહ્યા છે આ નિગમના અધિકારીઓ। એ જો નિગમ કે જો અધિકારી જો હે ये आपकी जमीन जो ये ले रहे हैं, तो ये जमीन लेने का उनका हेतु क्या है और वो यहाँ पर क्या काम करना चाहते हैं? वो बता रहे हैं ये बोटिंग घाट के लिए रास्ता बनाना है हम लोगों को और रास्ते के लिए हम लोग तुम्हारी जमीन ले रहे हैं, ऐसा बता रहा है। आइए, हमारे साथ और भी एक लाभार्थी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। जी शकुंतला बहन, यहाँ पर ये जो आपकी जो जमीन जो है तो यहाँ पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारी आपकी ये जमीन जो ले रहे हैं वो किस हेतु से ले रहे हैं और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? श्रेष्ठ भारत भवन बगल में अमारू खेतर आवेलू छे। खेतर अथवा बीज ये अमे मालिकीनी जगह छे अमारी। अमे अमारा जे सर्वे नंबर छे एनी जमीन महसूल पण भरी रह्या छे, तो पण भर जबरथी आ लोको अमारी जमीन मांगे छे बोटिंग पॉइंट माटे, तो अमे साहेब ने मीटिंग करेली तो अमे काले ना पाड़ेली, तो अपन भर जबरथी आजे पुलिस कोटेशन लईने आ लोको अमारे त्यां रस्तो बनावा माटे आवेला छे, मशीनरीओ लईने आवेला छे अने पुलिस कोटेशन पण जोड़े छे। अमने डबड़ावीने अमारू भर जबरथी अमारा बोटिंग पॉइंटना रस्ता माटे जमीन लेवा आवेला, पण अमे साहेब ने काले मीटिंगमां कीधेलू के ना साहेब अमने बधाने सहमति लईए तमारी अमारे घरमांथी, तो अमे ना पाड़ेली कि काले साहेब तमे आवशो ना एवुं ना पाड़ी, तो पण छतां पण आजे ए लोको पुलिस कोटेशन लईने अमारी जमीनो उपर आजे आव्या छे। तो ये थे हमारे केवड़िया गांव के लोग, जिसका कहना है कि यह यहां पर सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अधिकारी द्वारा जो कुछ भी कामगिरी हो रही है, लेकिन यह जो जमीन है वो हमारी खानगी मालिकी की है और इस जमीन के मालिक हम है। केवड़िया गांव के असरग्रस्त लोगों का कहना है कि यहां पर सरकार जो भी विकासशील कार्य कर रही है उसमें हमने हमारी जमीन भी गुमाई है और हमारे परिवार को अभी तक किसी भी प्रकार की नौकरी भी दी गई नहीं है। हालांकि उन लोगों का कहना यह है कि हम सरकार के विकास के कामों में हम सरकार के साथ ही है, लेकिन हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए, वो हमें 8 दिन तक नहीं मिल रहा और सरकार भी हमारी सुन नहीं रही है।
क्या यहाँ पर केवड़िया गांव के इस असरग्रस्तों की बात सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार उसकी मदद करेगी? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।